अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू वनऊज़ बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहू। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। मुख्तसर हम्द व सलात तो बाद अल्लाह सुबहानहू व तआला दा बड़ा ही फजलो करम है कि उस मालिकुल मुल्क ने एक दफ़ा फिर सानू रमज़ानुल मुबारक दियाँ मुकद्दस घड़ियाँ नसीब फरमाइयां ने। जो महीना इस वक्त मेरे और तुहाडे उत्ते साया फगन है, वो बड़ा ही अजीम तरीन महीना है। इस महीने की अजमत को समझण वास्ते यही समझ लाओ कि ये महीना अल्लाह की तरफों साढ़े कोल मेहमान बन के आया है। इंसान की फितरत है कि इंसान के कोल जदों भी कोई मेहमान को परौना हुंदा है, कोई गेस्ट आंदा है, तो वह पहले बह के तो सोचता है कि इस मेहमान की मेरे नज़दीक इज्जत किन्नी को है। ये जिहड़ा मेहमान आ रहा है इसदा शान मुकाम किन्ना को है। फिर उहदे हिसाब नाल बंदा उहनूं मोस्ट वेलकम कहण वास्ते, मरहबा कहण वास्ते इंतजाम इंसराम करता है। तो ये मेहमान एडा वड्डा मेहमान है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपनी पूरी किताब कुरान पाक अंदर किसी महीने की ना लैके तारीफ नहीं की थी। अगर अल्लाह ने ना लैके किसी महीने की तारीफ की है तो उस महीने का नाम रमज़ान का महीना है। हज़रत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ने कि ये एजाज़ सिर्फ रमज़ानुल मुबारक नूं ही हासिल है कि अल्लाह ने इहदा ना लैके दी तारीफ फरमाई। और मैं इंज कहांगा कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान पाक अंदर एक ही महीने का ना लैके तारीफ की है तो एको ही रात का ना लैके उसकी तारीफ की है। महीना रमज़ान का है तो रात लैलतुल कदर दी है। और अजमत वाली गल ये कि लैलतुल कदर भी रमज़ान विच आंदी। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिहड़ा रमज़ान का महीना है ना, ये इस्लामी साल का 9वां महीना बनता है। तो तुहानू पता है जिहड़ा 9वां मंथ हुंदा है वो माँ वास्ते बड़ा अहम महीना हुंदा है। जिवें 9वां महीना माँ वास्ते बड़ा अहम है, इवें रमज़ानुल मुबारक ये 9वां महीना अहले ईमान वास्ते बड़ा अहम है। जिमें 9वें महीने के अंदर अल्लाह पाक माँ की गोद अंदर एक लाल डाल देंदे ने, इवें रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर अल्लाह अहले ईमान दी गोद अंदर जन्नत दा टिकट डाल छड़ दे। जिवें 9वें माह दे एंड ते जाके अल्लाह माँ नू खुशी विखांदे ने, इवें इस रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल दे 9वें महीने दे एंड ते अल्लाह ने ईद की खुशी साढ़े लिए रखी है। और ये खुशी छोटी नहीं, नबी पाक ने फरमाया है कि जदों लोग ईद पढ़न वास्ते आते ने ना, तो अल्लाह फरमाते ने फरिश्ते गवाह हो जाओ, ए जिन्ने सियामो क्याम दे पाबंद आए ने मैं सारियां नू जन्नत दे छड़ी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कितना अजीमुल मर्तबत महीना है। और सिर्फ अल्लाह पाक ने इस महीने की शान बयान नहीं किया, नबी रहमत रहमत दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन बयान कर देने कि रमज़ान आण विच चंद दिन बाकी सन ते नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने सहाबा इकराम नू जमा कीता। हुण वेखो ना नबी पाक सहाबा नू जमा करते हैं कोई अहम गल ते तां ही जमा करते हैं ना। हुण सहाबा बैठे ने ते नबी पाक अलैहि सलात व सलाम सहाबा दे दरम्यान खड़े होकर खिताब फरमा रहे ते आप दे खिताब दा उनवान पता की है? मैं इंज कहांगा कि नबी पाक दी जुबाने ते शाने रमज़ान है। अल्लाह दे नबी रमज़ानुल मुबारक दी शान बयान फरमा है, सहाबा नू रमज़ानुल मुबारक दी अजमत दस रहे ते की फरमा रहे ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर। ज़रा सुनना, तवज्जो करना। मेरी दुआ है कि मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू ओहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने सहाबा इकराम नू जमा फरमाया और अल्लाह दे पैगंबर ने रमज़ानुल मुबारक दी शान नू बयान फरमाया। आका फरमाते ने कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम। फरमाया मेरे सहाबा गल सुनो ना, अन करीब तुहाडे उत्ते अज़ीम महीना साया करन वाला है, एक बड़ा शान वाला महीना आने वाला है और मेरे पैगंबर ने इस महीने नू अज़ीम महीना आख्या, अज़मत वाला महीना आख्या। भाई जान क्यों ना अज़मत वाला महीना होए? अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर ना लै किस महीने की तारीफ फरमाइए। अल्लाह फरमाते ने शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह 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 सुबहानहु व तआला ने ना लेके रमज़ान दी फजीलत नू बयान फरमाते की आखिया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। लोको रमज़ान दा महीना ओ महीना है जिहदे अंदर कुरान नाज़ल कीता गया। कल्ला कुरान ही नहीं नादल होया इस महीने दे अंदर। मुफस्सरीन फरमाते ने अल्लाह पाक ने आसमान तो जितनियां भी किताबां दा नजूल फरमाया इस पाक महीने दे अंदर नजूल फरमाया। तौरात आई रमज़ान दे अंदर आई, इंजील आई रमज़ान दे अंदर आई, ज़बूर आई रमज़ान दे अंदर आई, अलवाहे मूसा दा नुज़ूल होया रमज़ान दे अंदर होया, और सुहफ़े इब्राहीम दा नुज़ूल होया रमज़ान दे महीने दे अंदर होया, रब दे कुरान दा नुज़ूल होया रमज़ान दे महीने दे अंदर होया। अल्लाह पाक ने तकरीबन 313 किताबां आसमान तो नादल फरमाइया ने, 313 दियाँ इस रमज़ान दे महीने दे अंदर नादल होइया ने। और सब तो बड़ी बात है, सब तो फजीलत वाली बात है कि जदों दे नबी पाक दुनिया तो तशरीफ ले गए ने, उस तो बाद जिबरील दा दुनिया ते आना बंद हो गया। हुण जिबरील अल्लाह दी जमीन ते नहीं आंदा, हुण जिबरील जमीन ते नादल नहीं हुंदा, क्योंकि जिबरील दी ड्यूटी है नबियां ते वही ले करके आना, अंबिया दा सिलसिला मुक गया। इस वास्ते जिबरील दा जमीन ते आना भी खत्म हो गया है। लेकिन शान अल्लाह ने रमज़ान नूं अता फरमाई है कि रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर आसमान तो नूरियां दा सरदार आंदा है, जिबरीले अमीन आंदे ने, अल्लाह दी ज़मीन ते आंदे ने। तुसी सोच दियो वगे नबी ते है कोई नहीं, फिर जिबरील की लैण आंदा है। और लोगों जदों नबी सन उदों जिबरील पैगाम लेके आंदा सी, हुण नबी कोई नहीं, हुण जिबरील रमज़ान अंदर मोमिन अली सलाम लेके आंदा है। अल्लाह तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। रमज़ान ओ महीना है जिहदे अंदर जिबरील भी आसमाना तो आंदा है, और मुबारक होवे तुहाडे लई सलाम लैके आंदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दरा, हज़रत दी वकार गौर कर दे जाना दरा, कि अज़मत वाला ते शान वाला महीना। अल्लाह अल्लाह ताई ते फकीर ने सदावां लगाइया ने, मेहमान रब दा महीना गयारो, मेहमान रब दा महीना गयारो, बख्शिश दा आला खजीना गयारो, और लुट लो बहारा रमज़ान आया, रमज़ान आया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह में कुर्बान जावा, सहरी दा तोहफा अल्लाह कर है आया, सहरी दा तोहफा अल्लाह कर है आया, और रोज़े दा सब लई है पैगाम लाया। रोज़ा रखते पे हो के कोई ना, के सारे दाड़ वटी पे हो। सुनिया कई मौलवी रोजे नहीं रखते, मैनू पता लगा है कई मौलवी रोजे नहीं रखते, और तू मौलविया रोजा क्यों नहीं रखिया? आखे मैं जी जुमा पढ़ाना है, मैं जुमा पढ़ाना, मैं ता नहीं रोजा रखता। कई मौलवी जुमे तो पहला 2 रोटियां खा के, जग लस्सी दा पी के, ते फिर मसीते आके मिंबर ते चढ़ के कहंदे ने कुतिबा अलैकुम सियाम, और रोजे रखो। बंदा पूछे मौलविया तेरे वाला रोजा तेरे प्यो ने रखना है, तू क्या नहीं रखता? अल्लाह 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 सारियां नू रोजा रखण दी तौफीक दे। उच्ची आमीन आखो। अल्लाह अल्लाह सहरी दा तोहफा अल्लाह कर है आया, हर रोज़े दा सब लई है पैगाम लाया, लुट लो बहारा रमज़ान आया, रमज़ान आया। दुआ करिए हो महीना ही होवे, और मक्का भी होवे, मदीना भी होवे, मक्का भी होवे मदीना भी गोवे लुट लो बहारा रमजान आया रमजान आया। अल्लाह अकबर। लाभ तवज्जो करना तो मुँह मिठा करावा ते तो रोजा भी ना टुटे। अल्लाह अल्लाह। सलाफतारी दे वेले जम जम खजूरा अफतारी दे वेले जम जम खजूरा जन्नत च मिलसन सोनिया हूरा जन्नत च मिलसन सोनिया हूरा लुट लो बहारा रमजान आया रमजान आया। मेरी गौर तुसा दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम व मन मरीज़न औ अला सफर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उसर व लितुकमिलुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना। जरा फरमाया शाहरुन अजीमन एक सिफत ते अगला बयान फरमाया शाहरुन मुबारका फरमाया अजमत वाला भी है ते बरकत वाला भी है। अजमत सुनिया जे ना हुण बरकत भी सुन लो रमजान दियाँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने तुफ अबवाबुल जन्ना व तुगलक अबवाबु जहन्नम। फरमाया दमदाम दा महीना जदों आ जांदा है जन्नत दे दरवाजे खोल दिते जांदे ने जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते जांदे ने। अल्लाह अकबर। शैताना नूं पान बन दिता जांदा है वड्डे वड्डे बन्ने जांदे ने चेले लगे फिरदे ने चेले लगे फिरदे ने वड्डे वड्डे शैतान बन दिते जांदे ने। अलबत्ता चेले लगे फिरदे ने चेलियां कोलों बच के रहना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह में कुर्बान जामा। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उलमाए कराम मुहद्दिसीन ने कलाम कीता है। हजरत शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस नूं सही करार दिता है। ए कुरान दी आयत तुसीं सुनिए ना इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलैन नबी। लेकिन अज मैं तुहानूं एक हदीस सुणावां बड़ी मिठी हदीस है बड़ी प्यारी हदीस है बड़ी ईमान नूं ताज़ा करने वाली हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहिरीन फरमाया कायनात दे लोगो जदों सहरी दे वक्त बंदे सहरी करदे पौंदे ने ना इन्नल्लाह व मलाइकतहू सल्लूना आसमान ते बैठा कायनात दा रब सहरी करन वालियां दे दर्जात नूं बुलंद करदा हुंदा है। अल्लाह दर्जात बुलंद करदा है। युसल्लून अलल मुतसहिरीन। ऐ रोजेदारो किड्डे खुश नसीब जे और रोजेदारो किड्डे मुकद्दरा वाले जे और रोजेदारो किड्डे तुहाडे लकी नंबर ने। अरशां ते बैठा रब जिहड़ा है तुहाडे दर्जे बुलंद पिया करदा है। फरिश्ते तुहाडे लई दुआवां पे करदे ने। नहीं समझ आई थोड़ा जा होर अगे चलिए तेरा इमाम दादा ना होवे ते फिर आखी जे आख हदीस सुनने तो बाद भी तेनू पता न लगे कि रमजान किड्डी अजमत वाला है। फिर तेरे मुकद्दरा बेची को फर्क है ना। एक उम्मे सिनान नामी औरत नबी पाक कोल आई, अर्ज कर दी सोने नबिया मैं तुहाडे नाल रल के अल्लाह दे घर जाना चाहती सा लेकिन मैं जा नहीं सकी, हुण मैं की करा। मेरे आका फरमांदे ने कोई गल नहीं, जदों रमजान आ जाए ना रमजान दे अंदर उमरा कर ले, अल्लाह तेनू हज दा सवाब दे छड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अगली गल बड़ी प्यारी है। सही अल बुखारी है 1863 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमान है, मैं ते जदों हदीस पढ़ी मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं जदों हदीस पढ़ी मेरा ईमान बढ़ गया, मैं जदों हदीस पढ़ी अल्लाह दी कसम मैं बड़ा राजी हो गया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया है, फरमाया रमजान दे महीने दे विच जिहड़ा बंदा उमरा कर लैंदा है अल्लाह इंज सवाब दे छड़दे ने जिवें मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल रल के उन्हें हज कर लिया है। हाय 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 हाय, किड्डी उच्ची गल, किड्डी उच्ची गल, जिमें कमली वाले दे नाल रल के हज किया। सुभान अल्लाह, सुभान। दुआ करो अल्लाह कोलों, दुआ करो अल्लाह हरम दियां पाबंदियां खत्म कर छड्डे। अल्लाह जानदा है दिल तड़पदा है। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह दे पाक घर नूं वेखण लई। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह मक्के मदीने तो सदके मैं जावा, और दिन रात रब तो मैं मंगा दुआवा। मक्के मदीने तो सदके मैं जावा, दिन रात रब तो मैं मंगा दुआवा। अजान मक्के दिया, अजान सुनी है ना तुसी, मक्के दिया दा सकूने दिलांदा, मक्के दिया दा सकूने दिलांदा, ते खाके मदीना मैं सुरमा बनावा। मक्के मदीने तो सदके मैं जावा, और दिन रात रब तो मैं मंगा दुआवा। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, खजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। फरमाया इंजी जिमें मेरे नाल मिलके उस बंदे ने हज कर लिया। सुभान अल्लाह, किड्डी अजमत वाला ते शान वाला महीना है। हुण आओ थोड़ा जागे चलिए। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे मोहतरम दाइयो, रमज़ान भी हिदायत दा दरिया, कुरान भी हिदायत दा दरिया। रमज़ान भी फर्क करने वाला, कुरान भी फर्क करने वाला। किमें भला किमें? इधर पहले रमजान वेखिए हिदायत वाला किमें बनता है। मैं बड़े बड़े बंदे वेखे ने जिन्ना रमजान अंदर दाड़ियां रखियां, तौबा कर ली, दोबारा दाड़ियां नहीं कटाइयां। बड़े बड़े बंदे वेखे ने जिन्ना रमजान अंदर नमाजा शुरू कीतियां ते दोबारा नमाजा उन्हें कदी नहीं छड़ियां। मैं बड़े बड़े बंदे वेखे ने जिन्ना रमजान अंदर गाणियां तो तौबा की ते दोबारा वो गाणियां दे नेड़े नहीं गए। पता लगा रमजान हिदायत दा जरिया। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा, ते में कुरान भी हिदायत दा जरिया है। ते हजरात मोहतरम, जिमें रमजान फर्क करने वाला है इवें कुरान भी फर्क करने वाला है। रमजान झूठियां च फर्क करदा है, कुरान झूठ विच फर्क करदा है। रमजान दसदा है सच्चा कौन है ते झूठा कौन है, कुरान दसदा है सच किए ते झूठ किए। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह तुसी कहोगे ये रमजान किवें सच्चियां ते कूड़ियां विच फर्क करदा है। देखो ना रमजान दा महीना चल रहा है ना, सच्चे मस्जिदां चो लभदे ने, झूठे कनातां दे पिछों लभदे ने। इवें गल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जेडे सच्चे ने मसीतां च ने, जेडे झूठे ने होटलों च बड़े बैठे ने, होटलों च वड़ के रोटियां पै खांदे ने, होटलों च वड़ के चावां पै पींदे ने, होटलों च वड़ के खांदे फिरदे ने। अल्लाह ते जेडे जनाब सच्चे ने ना, अल्लाह दे घर विच बैठे ने, मस्जिद अंदर बैठे ने। मैनू हर बारी मसले पूछे जाते ने, ए जी मैं शुगर का मरीज हाँ जी, तो मैनू इजाजत नहीं मिल सकती, कोई इंज का हिसाब होवे कि मैं रोज़ा ना रखा, मेरा रोज़ा रखण तो बगैर ही सर जाए, गुजारा हो जाए। बड़े बंदे अजीब जी मसले पूछते ने। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मरीज बंदे के लिए इजाज़त है, वो रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में गिनती पूरी कर ले। लेकिन मैं कहूँगा बाबा जी केड़ी गल है, रोज़ा रखिया होवे बात तो अच्छा, बंदे बीमार बंदा रोज़ा रख लेगा की होएगा, वध तो वध की होएगा, बंदे ने रोज़ा रखिया है सिर नूं पीड़ चढ़ जाएगी, वध तो वध होएगा कि जनाब मुँह खुश्क हो जाएगा, वध तो वध होएगा कि तेनू भुख लग जाएगी, वध तो वध होएगा कि जनाब दिल घबरान लग पेगा। ओए वध तो वध ये ना भी तू मर जाएगा, इस तो उत्ते तो कुछ नहीं ना होने लगा। ओए कमलिया, मैं आख्या करना होर की चाहिदा है, रोज़ा फैसलाबाद रखिया होवे, अफतारी जन्नत च हुंदी होवे। नहीं इंज नहीं। एक होर गल सुन, बाबिया नूं आ गया, कई बाबे बेचारे परेशान, कई बाबे बड़े दलेर ने माशाल्लाह, बड़े तगड़े ने, बड़े चौकस ने, रोजे रख रहे, कई बाबे ढिले ढिले ने। और ढिलियो बाबियो मैं तानू कहूँगा, बाबा जी रोजा रखण अंदर घबराया ना कर, बाबा रोजा रख, होर की चाहिदा है, सहरी बेगम नाल कर ले, अफतारी हूर नाल कर ले। हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा। हज़राते दी वकार पता लगा फर्क हुंदा पिया है, रमज़ान सच्चे ते झूठे दे अंदर फर्क करदा है, कुरान सच ते झूठ अंदर फर्क करदा है। सुभान अल्लाह, रमज़ान भी अज़मत वाला, कुरान भी अज़मत वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दरा। अल्लाह वाला किड्डी प्यारी गल करदा है, आया दुनिया ते माहे रमज़ान रहमतां लटाउण वास्ते, आया दुनिया ते माहे रमज़ान रहमतां लटाउण वास्ते, लैके आया जे निजात दा समान साडे बख्शाउण वास्ते। और नूरी चन्न चढ़े जदों आसमान ते, नूरी चन्न चढ़े जदों आसमान ते, लग जांदियां पाबंदियां शैतान ते, लग जांदियां पाबंदियां शैतान ते। और रोजेदारां दा ना करे नुकसान, रोजेदारां दा ना करे नुकसान, रोजे तो रहण वास्ते, आया दुनिया ते माहे रमज़ान रहमतां लटाउण वास्ते। ओ वेखो कैडा ए मखीना दा जवाब, नेकी एक करो लख दा सवाब। वेखो इतो कई बंदे सऊदीया गए हुए ने, और सऊदीया की लैन गए हो, कहता जी सऊदीया मैं तां गया वा 1 रियाल कमावांगा, पाकिस्तान दे 42 रुपये बन जाएंगे। इसे गल कह 1 रुपया कमावांगा 42 बन जाएंगे। दुबई कई बंदे गए ने, 1 दिरम दिनार कमावांगा, पाकिस्तान दे बाबा सारे पैसे बन जाएंगे। कई बंदे अमरीका गए ने, डॉलर कमावांगा पैसे बहुत हो जाएंगे। और दुनिया ते कोई इंज दा मुल्क मौजूद कोई नहीं कि जिथे रुपया 1 कमावो तो 700 बन जाए, 7000 बन जाए, दुगना चुगना बन जाए। ये मुल्क रमज़ान दा, ये महीना रमज़ान दा, ये छोटा रब दियां ही ने, ये सखी मालक ये। नेकी 1 करोगे अल्लाह 700 गुना बढ़ा चढ़ा के अता फरमा छड़ेगा। अल्लाह अकबर, जिन्ना चाहे रब दे छे, भावें 700 गुणा तो भी उत्ते दे देवे। और तू नेकी अपनी कोशिश नाल करनी है, रब ने अजर अपनी ताकत नाल देना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और देखो कैडा ए मखीना दा जवाब, नेकी एक करो लख दा सवाबे, ओ नेकी एक करो लख दा सवाबे। ओ देखो कैडा ए मखीना आलीशान रब नू मनाउण वास्ते आया दुनिया ते माह रमजान रहमतां लटाउण वास्ते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दराओ मेरी गौर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना खजराब तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ। हुण रमज़ान आ गया ते सानू करना की चाहिए? सानू चार काम करने चाहिए ने। किन्ने काम? बोलो, उच्ची बोलो, किन्ने काम? चार कम करने ने। केड़े केड़े कम करने ने हज़रात तेजी वकार? सब तो पहला काम जिहड़ा करन वाला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया इमामदारो असी तुहाडे ते रोज़ियां नू फर्ज कर दिता है जिवें तुहाडे तो पहलियां कौमां ते रोज़े फर्ज कर दिते गए। मुफस्सिरीन फरमाते ने हर कौम ते रोज़ा फर्ज किया गया। हर अल्लाह दी जिहड़ी दुनिया ते जिहड़ी जिहड़ी वी उम्मत आई है नबी दी, हर नबी दी उम्मत ते रोज़े फर्ज किए गए ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह साडे उत्ते रोज़े 2 हिजरी दे विच फर्ज किए गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो हिजरत कीतियां नू 2 साल हो गए ने। नबी पाक मदीने आए तब जनाब रोज़ियां दी फर्जियत दा हुक्म नाज़िल होया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावां रोज़ा रखण दा मकसद की है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी तकवे वाले बन जाओ। तकवे दा माना की है? जिवें खाना पीना छड्डिया है एवें गुनाह भी छड्ड देना है। जिवें ज़बान दे विच जनाब लुकमा नहीं पाना, इमें जबान चो गाली भी नहीं करनी, इमें जबान चो झूठ भी नहीं बोलना, इमें जबान चो ममदा भी नहीं बोलना, इमें जबान चो किसी को परेशान भी नहीं करना। रोजे का सब तो बड़ा मकसद तकवा है, ताकि मैं ते तू मुत्तकी परहेजगार बन जाइए। ते रोजे का दूसरा मकसद की है? रोज़ा रखिए ताकि सानू भुखे यादान लग पैण, ताकि सानू पता लग जाए कि भुखिया बंदियां ते की गुजरदी है। और रोज़ा रखिया होवे भुख लगी होई होवे, दोपहर दा टाइम होवे ते भुख शिद्दत दी तैनू लगी हुई होवे ना, उदों याद करिया करके जदों गरीब दे बच्चे भुखे बिलकदे ने ते उन्हां दे दिल ते की गुजरदी है। जदों किसी गरीब दे घर विच खाना नहीं हुंदा, उदों गरीब दे घर विच की बीतदी है। ते मेरे यारो फैसलाबाद एक होर गल भी मैं तुहाडे नाल करदा चला जावां, इंज भी ना करिया करो। आप सहरी दे वक्त 4-4 डिशां खांदे हो, आप अफतारी दे वक्त 5-5 डिशां बनांदे हो, ते नाल दे गवांडी दा पता नहीं जे लैंदे। ओदे बच्चे भुखे मरदे पए ने, ओदे घर विच गुरबतां ने, कई भरा दौलतमंद ने ते कई भरा माड़े ने। ओ तगड़िओ भराओ माड़े भरावां दा ख्याल करिया करो। ऐ जिहड़ा महीना, ऐ जिहड़े दिन गुजरदे पए ने ना, अल्लाह जानदा बंदियां दियां कमरां टुटियां पईयां ने, बंदे गुरबत दे विच मरे पैने। अल्लाह जानदा बड़े बड़े बंदियां दे मैनू फोन आंदे ने, तुहाडे नाल ते लोग गल्लां नहीं करदे, साडे नाल बंदे बड़ी बड़िया बड़िया गल्लां करदे ने, उन्हां दियां गल्लां सुन के अल्लाह दी कसम अंजू नहीं रोके जांदे, उन्हां दियां गल्लां सुन के अक्खां चों अंजू डुल जांदे ने। कुछ दिन पहला मैनूं एक बंदे ने गल सुनाई है, जिहड़ा पिछला रमज़ान दा महीना गुजरिया है ना, एक नौजवान एक जनाब एक घर वाले बंदे दी गल सुनाई है ना, जिहदे घर विच बेटियां ही बेटियां ने ते बेटा घर विच कोई नहीं। एक ओदी छोटी जी बेटी है, रमज़ान दा महीना आ गया जिहड़ा पिछला रमज़ान गुजरिया है, तो रमज़ान दे अंदर बेचारा बाहर निकलिया है मजदूरी करने वास्ते, मजदूरी कोई नहीं लभी। एक दिन कोई नहीं लभी, दूसरे दिन भी मजदूरी कोई नहीं लभी। रोज़ा रखिया ओदियां बेटियां ने ते पानी दे नाल रोज़ा अफतार पिया हुंदा है। अल्लाह दे बंदेया, जदों तेरे सामने अफतारी दे वक्त खाने लगे पे होमण, उदों सोचिया करना ओ जिन्हें 13, 12, 15 घंटियां दा रोज़ा रखिया होया होवे ते अफतारी दे वक्त सवाए पानी तो दे सामने कुछ ना होवे, दस ना ओदे दिल ते की गुजरदी है, ते वी सोच ना बच्चियां दे बाप दे दिल ते की गुजरदी है, जिहड़ा एडा बेबस बेचारा कि अपनी बेटियां वास्ते कुछ कर नहीं सकदा। मैनूं नौजवान गल सुनांदा है, 2 दिन गुजर गए, 2 दिन बच्चियां ने रोज़ा इंजी रखी है, हालत दे अंदर किधरों कुछ शय आ गई है ते खा लिए, नहीं आई तो इंजी गुजारा कर लिया है। तीसरे दिन बाप निकलिया इस इरादे नाल अज मैं जरूर अपनियां बेटियां वास्ते कुछ ना कुछ लैके आवांगा। इंज हुंदा ही ना कि जनाब बेटियां रोंदियां होण ना ते बाप अगे वध के सिरां ते हथ रखदा है ते कहंदा मेरी ओ धीओ घबराणा नहीं, मैं हजे तुहाडा बाप जिंदा वां, मैं रोन नहीं देंगा, मैं अपनिया बेटियां रोन नहीं देंगा। ऐस मजलिस विच कई इंज दे बंदे बैठे ने जिन्हां दियां धीयां दुखी ने, पुछो ना दे कोलों जदों धी दी अख चों आंसू निकलदा है बंदे दी कमर ही टुट जांदी है, बंदा दूरा हो के बह जांदा है, बंदे कोलों उठिया नहीं जांदा कि जदों धीयां दियां अखां चों आंसू निकलदे ने। 2 दिन बेटियां अफतारी पानी नाल कीती है ते बाप कहंदा नहीं मेरी धीओ अज दी रात कढ लो ना, मैं सुबह जावांगा ते मैं तुहाडे वास्ते जरूर कुछ ना कुछ लैके आवांगा, मैनूं जिन्नी भी मजदूरी करनी पई, मैनूं जिथे भी जाना पिया, मैं तुहाडे वास्ते कुछ ना कुछ जरूर लैके आवांगा। तीसरे दिन बाप निकलिया सारा दिन मजदूरी लभदा फिरिया, शाम तक मजदूरी कोई नहीं लभी ते वेले हाथ वापस आ गया है ते अफतारी दा फिर टाइम हो गया है ते बेटियां बैठियां रोंदियां ने ते बाप बैठे बैठा रोंदा है ते जड़ी छोटी बेटी है ना उन्हें अब्बे नूं रोंदियां वेखिया है ना ते कोल आके कहंदी है बाबा और रोवो ना, अज भी असीं रोज़ा पानी नाल ही अफतार कर लवांगियां, अब्बा जी रोवो ना अज भी असी अफतारी पानी नाल कर लवांगियां। यार दस ना की फायदा तेरे जामे शीरी दा, की फायदा तेरा शरबत ते संदल दा, ऐ शरबत ते संदल पियाए, ऐ जामे शीरी पियाए, ऐ दुध सोडा पियाए, ऐ फलाना फलाना पियाए, ओए एक पानी पी ले ते चुक के किसी गरीब दे घर दे देना। अल्लाह दी कसम मैं कसम चुक के कहना वा अगर किसी रोजेदार गरीब नू अफतारी दे वक्त मिठा पानी पिया दे, इंशाअल्लाह रब क़यामत वाले दिन तेनू सोने दे तौदे कौसर पिला छड़ेगा। जुल्म न करो, खाती जाते हो, किसी गरीब का भला नहीं जे करते, इंज दियां ज़ियादतियां नहीं करनियां। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, खजरा तेजी वकार गौर करते जाना। जरा जनाब सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर ती, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर, जदों मसनद हुकूमत आए ना जनाब यूसुफ ते हज़रत यूसुफ ने रोज़े रखने शुरू कर दिते। जनाब यूसुफ रोज़े रखते पैने, लोगों पूछया यूसुफ जी मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हो ते रोज़े कातों रखते हो? फरमाते ने रोज़ा रखांगा भुख लगेगी गरीब याद आ जाणगे, रोज़ा रखांगा भुख लगेगी ते भुखे याद आ जाणगे। जिस मुल्क का वजीर आजम रज के खांदा होवे ना, मैनू दसना नू किवें पता लगेगा कि भुखियां ते दिल ते की गुजरदी है। वक्त दी आकम नू चाहीदा है रोज़ा रखे ताकि पता लगे जदों भुख लगदी है ते गरीबां दे दिल ते की गुजरदी है। इस वास्ते वीर जी कल्ले कल्ले सब कुछ ना खा जाया जे किसी गरीब दा भला जरूर करना है, किसी गरीब नू इफ्तारी ते सहरी दा इंतजाम जरूर करके देना है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुम सियाम, रोज़े तुहाडे ते फर्ज कर दिते गए ने, रोज़ा रखना है सही तरीके दे नाल ते जदों बंदा सही रोज़ा रखदा है तो अल्लाह अजर की अता करदे ने। हदीसां ते बड़ियां ने, एक हदीस सुणावां मैं तुहानू रोज़ेदार दे अजर दे मुतल्लिक। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने अस्सौमु ली वाना आजज़ी बिही, फरमाया रोज़ा मेरे लिए ते अजर भी मैं अता करांगा। इहदे मैं तीन माने तुहाडे सामने रखांगा। सब तो पहला माना वाना आजज़ी बिही, फरिश्तियां दी ड्यूटी लगी है। फरिश्ते बंदियां दियां नेकियां लिखदे ने, फरिश्ते बंदियां दा अजर लिखदे ने। एक बंदा बैतुल्ला विच नमाज पढ़दा है ते फरिश्ते 1 लाख लिख लैंदे ने। एक बंदा मस्जिद नबी विच नमाज पढ़दा है, आए फरिश्ते 1000 लिख लैंदे ने। एक बंदा बैतुल मक़दस अंदर नमाज पढ़दा है, अल्लाह 250 नमाज लिख देंदे ने फरिश्ते। एक बंदा जनाब मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़दा है, अल्लाह दी तरफों फरिश्ते 25 नमाज़ां या 27 नमाज़ां लिख देंदे ने। इधर बंदे ने हाय हाय किड्डा सोहना मंदर है, अफतारी दा टाइम है, बंदे ने रोज़ा खोलिया है ते फरिश्ता कलम लेके बैठा है, मालिका दस ना किन्ना अजर लिखना है, अल्लाह दस ना तेरे बंदे ने जो रोज़ा रखिया है मैं किन्ना अजर लिखा। अल्लाह फरमाते ने वाह आना, किड्डा सोहना मंदर होएगा, वो किड्डा प्यारा मंदर होएगा। फरिश्ता कलम पढ़ के कहता होएगा मालिका दस मैं किन्ना अजर लिखा, ते अल्लाह फरमाते होंगे वाह आना आजज़ी बिही, पर हो जाए मैं जाना के रोज़े दा अजर किन्ना है। फरिश्तिया तेरे वास दी गल नहीं कि तू लिख लवें रोज़े दा अजर किन्ना है। एक माना हुण दूजा माना वाह आना आजज़ी बिही। हज़रत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाह अलैह शाबुल ईमान विच लिखदे ने, हज़रत सफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह ताला दा कौल है, फरमाते ने वाह आना आजज़ी दा माना की है कल क़यामत दा दिन होएगा, बंदा अल्लाह की अदालत अंदर लिया जाएगा, बंदे दियां नेकियां दा ढेर लग जाएगा। उधरों बंदे आ जाणगे ते आके कहणगे अल्लाह इस बंदे ने सानू गालियां कढ़ियां, इस बंदे ने सानू मंदा बोलिया। अल्लाह फरमाणगे ओनियां नेकियां लैके चले जाओ ना। एक बंदा आएगा वो कहेगा या अल्लाह ने गालियां कढ़ियां, पर मैं जिन्नियां गालियां कढ़ियां ओनियां नेकियां तू लै जाओ, जिन्ना तेरा हक खादा ओनियां नेकियां तू लै जाओ, जिन्ना तेरे ते जुल्म कीता उन्ना जर तू लै जाओ। हत्ता किस बंदे दियां नेकियां विच फिर रोज़ा आ जाएगा। इधर बंदे खड़े ने अल्लाह साढ़े ते ज़्यादती करदा रिहा है, दे दियां नेकियां रोज़ा जे मौजूद है, इहदे रोज़े चुक के सानू दे दे, ते अल्लाह फरमाएगा नहीं 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 वाह आना आजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए रखिया है, मैं नहीं तुहानू अपने बंदे दा अजर लैण देना, मैं अपनी रहमत नाल तुहानू राज़ी कर लवांगा, मैं अपनी रहमत नाल तुहानू राज़ी करांगा, लेकिन रोज़े दा अजर मैं अपने बंदे दा किसे नू नहीं देना। क्यों? रोज़ा मेरे लिए ते अजर भी मैं देवांगा, मैं अपने बंदे दा अजर चुक के किसी होर नू क्यों देवां। वाना आजज़ी बिही नहीं समझ आई, एक तीसरा माना करा वाना आजज़ी दा। अल्लाह दी कसम मैं जदों माना सुनिया है ते कसम रब दी दिल करदा है बंदा सारी जिंदगी रोज़ी रखदा चला जावे। जे शरीयत ने डेली दा रोज़ा मना न किया होंदा, यह हदीस सुनन तो बाद मैं डेली रोज़ा रखदा। यह हदीस एडी प्यारी है, यह माना मुहद्दिसीन ने एडा प्यारा कीता है। फरमाया वा आना आजज़ी बिही, वा आना आजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए अजर भी मैं दूंगा। की माना? फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, जन्नती जन्नत दे अंदर जाणगे, सब तो पहला अल्लाह अपने चेहरे दा दीदार रोज़ेदारां नू करवाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब तो पहला घबराया ना करो, परेशान ना होया करो। भुख लगे, प्यास लगे, दिल घबराए, परेशानी आवे, हाथ खुश्क हो जान, उता मुँह करके आख्या करो सोने बड़ी भुख लगी है, बड़ी प्यास लगी है, लेकिन जिदन तू सानू आपदे चेहरे का दीदार करवा देना भुखा सारिया लथ जानियां, प्यासा सारिया मुक जानियां ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। हजरात जी वकार लिहाजा पहला कम रमजान दा रोज़ा रखना। मरीज बंदा जिहड़ा रोज़ा छोड़ सकदा है, मुसाफिर बंदा भी रोज़ा छोड़ सकदा है, लेकिन शर्त की है फायदा तुम मिन या मिनो खर, उन्हों दोबारा रोज़े रखने पैणगे। अगर मर्ज विच दो रोज़े छुट गए और रोज़े दोबारा रखेगा, सफ़र विच दो रोज़े रह गए और रोजे दोबारा रखेगा। औरत दे अगर माहवारी अय्याम अंदर रोजे रह गए, वो भी औरत अपने रोजे दोबारा रखेगी ना। अल्लाह नमाज़ां दी कदाई नहीं, रोजियां दी कदाई औरत देगी। एक कदाई 11 महीने अंदर जदों तेरा दिल करे दिती जा सकती है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह में कुर्बान जावा। अगर कोई इंजदा बंदा जिन्हें जनाब रमजान दे रोजे छड़ दिते ते है बीमार है, ते कोई मौका नहीं मिलया, फौत हो गया है, दुनिया तो चला गया है। 5 रोजे वो रमजान दे रहिंदे सन, रमजान तो बाद रमजान च बीमार हो गया, रोजे छुट गए, हुण फौत हो गया, हुण की करेगा? ओदे बुरा साह ओदे रोजे रखणगे, ओदे बुरा साह ओदे रोजे रखणगे। जिवें पलाट वंड दिओ ना मैयत दे, इवें रोजे भी वंडने ने मैयत दे। कल्ले पैसे ना वंडिया करो मैयत दे, मैयत दे रोजे भी वंडने चाहीदे ने। बड़ा बेटा आखे अब्बा जी दी तरफों 4 रोजे मैं रखांगा, दूसरा आखे 10 रोजे मैं रखांगा। मैयत की तरफों बुरा सार रोजे वंड लैन। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। पहला मसला। दूसरा मसला, रमज़ान अंदर की करना है? रमज़ान अंदर क़याम दा इत्माम करना है, रमज़ान अंदर क़यामुल लैल दा इत्माम करना है। फरमाया मन काम रमज़ाना, मन काम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जेड़ा बंदा ईमान दी हालत अंदर अल्लाह कोलों सवाब लैण दी नीयत दे नाल मन काम रमज़ान, रमज़ान दे 3 दिनां दा नहीं बल्कि पूरे रमज़ान दा क़याम करदा है, अल्लाह दे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंदे ने। हज़रात जी वकार, अगर कारी साहब एक पारा पढ़ना ते घबराया ना करो, पीछे खड़े हो करके। मैनू पंजाबी साहब दस रहे सन, अपनी मस्जिद दे अंदर भी तरावियां वास्ते बड़े अच्छे कारी साहब मौजूद ने। आवाज़ भी अच्छी, किरत भी अच्छी है, सोना कुरान पढ़ते हैं। इस वास्ते अहबाब नूं चाहीदा है रमज़ान दे अंदर सोहणियां तराई ना वेखिया कर किड़ा कार जिहड़ा तेज़ गाम करिए पढ़ करके पढ़ी जांदा, ओदे मगर जाना ना, कुरान ओदे पिछे सुनना है। सोहना करके पढ़े, एक एक लफज करके पढ़े। ऐ जिहड़ी मेरी मस्जिद ना जामिया मक्का, तुहाडी भी ओही मस्जिद, साडी ऐ भी मस्जिद अपनी, ओह भी मस्जिद अपनी। उत्थे एक बच्चा कुरान पाक 3 साल तो सुनांदा पिया है, बड़ा सोहना करके पढ़दा है, टिक टिक के पढ़दा है, सोहने अल्फाज नाल पढ़दा है, सोहने अंदाज नाल कुरान पाक पढ़दा है। अल्लाह ते असीं ओहदे मगर जदों मैं हुआ तरावियां पढ़ना, बाकी लोग भी पढ़दे ने। पिछली दफ़ा मैनूं बंदे कहण लगे, लो जी कारी साहब बड़ा हौला पढ़दे ने, इन्हां नूं आखो थोड़ी जी स्पीड तेज़ कर देण। मैं आख्या कोई ना इंशाअल्लाह इस स्पीड ते पढ़ेगा, इस अंदाज नाल पढ़ेगा। और क्या फायदा ना तरावियां दा कि जिन्ना तरावियां विच बंदा सारा कुछ रगड़ी मगड़ी जाए। सोहने तरीके नाल अल्लाह वास्ते 1 घंटा भी नहीं तू कढ़ सकदा रमज़ान अंदर। जान दियो हज़रत मौलाना मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह 1 तरावियां दे विच 1 दिन दियां तरावियां च 10 सपारे पढ़िया करदे सन। गुजरां वाले दे नाल गोंदला वाला, कई बंदियां ने वेखिया होएगा, हाफिज़ मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह 1 दिन दियां तरावियां दे अंदर 10 पारे पढ़िया करते सन। भाभीओ तुसी पिछे खलो के नमाज पढ़िया करते सो। किताब अंदर लिखी आए मस्जिद खच चाकत भरी हुंदी सी। लोग एडे शौक नाल कुरान सुनिया करदे सन। अज असीं कुरान पाक तो दूर हो गए हाँ। अज असीं ओह कारी लभने आ जिहड़ा पाइया को पढ़ के छुट्टी करा देवे। ना ना मेरे वीर, सोहणे तरीके नाल तसल्ली नाल तरावियां पढ़नियां ने। तरावियां 8 मसनून ने, यानी 8 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ियां। सही उल बुखारी दे चांदा है मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना फरमादियां ने, अल्लाह दे पैगंबर ने रमजान ते गैर रमजान अंदर 11 रकातां पढ़ियां, यानी 8 तरावियां हो गईयां ते 3 वितर हो गए। अलबत्ता अगर कोई बंदा 10 पढ़ना चाहे पढ़ सकदा है, 20 पढ़ना चाहे पढ़ सकदा, ओदी मर्जी है। नफली इबादत जिनी मर्जी कर लै। अलबत्ता मसनून 8 ने, यानी अल्लाह दे नबी ने 8 पढ़ियां ने। वितर 1 भी पढ़िया जा सकता है, वितर 3 भी पढ़े जा सकते हैं, वितर 5 भी पढ़े जा सकते हैं। लेकिन जो वितरा 3 पढ़ना है उदो मगरब दे मुशाबे नहीं करना, दरम्यानी तशहुद नहीं बहना, बल्कि एंड ते जाके तशहुद बहना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वितरा दे अंदर पहली रकत अंदर पढ़िया करते सन सूरा आला, दूसरी अंदर सूरा काफिरोन, तीसरी के अंदर अल्लाह दे पैगंबर सूरा इखलास तिलावत करया करदे सन। वितराम दी दोवें दुआवां नबी पाक तो साबत ने। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा अदिनी फी मन खदैत व आफिनी फी मन आफैत। दोवें दुआवां पढ़ियां जा सकदियां ने। असी अल्लाहुम्मा अदिनी फी मन खदैत तां पढ़ने आ क्योंकि सानू अहले बैत नाल बड़ा प्यार है, क्योंकि सानू नबी पाक दी आल नाल बड़ा प्यार है, क्योंकि सानू हजरत अली दे बच्चियां नाल बड़ा प्यार है। अल्लाहुम्मा अदिनी फी मन खदैत। हजरत इमाम हसन फरमाते ने अल्लाह दे नबी ने मैनू ये दुआ सिखाई है, लिहाजा ये दुआ पढ़नी चाहिए है। दुआ दा तरीका असर असल वितर दा तरीका है वे क़ियाम होए, क़ियाम अंदर सना होए, फिर फातिहा होए, फिर नाल सूरत होए, फिर हाथ बन के बंदा जनाब दुआए कुनूत पढ़ देवे, दुआए वितर पढ़ दे। अलबत सही तरीका है ये। अगर कोई रुकू तो बाद हाथ उठा के दुआ करना चाहता है उसके अंदर भी गुंजाइश है, उसते फतवा नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात दी वकार 2 कम हो गए तो तीसरा कम केड़ा करना है? रमजान के महीने के अंदर तीसरा कम एतकाफ वाला, तीसरा कम एतकाफ वाला। आज जनाब आइसोलेशन 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 का रौला पाया है। इस्लाम ने आइसोलेशन बयान किया है, एक छोटा जा खैमा होए, बंदा अलग थलग होए, मोबाइल उदा बंद होए, कारोबार वाल तवज्जो ना होए, लोगों नाल मिलना गिलना घट होए। कित्थे गया है ए जनाब? आइसोलेशन में गया है। ये ओ आइसोलेशन है जिहड़ा जायज़ है, ये ओ आइसोलेशन है जिहड़ा हक है, ये ओ आइसोलेशन है जिहड़ा अजर मिलता है, जिहदा सवाब मिलता है। ते होएगा किथे? मस्जिद दे विच होएगा। फरमाया वा अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। इतकाफ मस्जिद दे अंदर, मस्जिद तो बाहर नहीं हो सकदा, ना बंदे दा ना बीबी दा। औरत अगर मस्जिद दे अंदर जगह अच्छी है ते बैठ जाए, ते नहीं ते ना बैठे, लेकिन बैठना मस्जिद के अंदर, मस्जिद तो बाहर इतकाफ कोई नहीं। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमादियां ने अल्लाह दे नबी पाक वाहुआ मुअतकिफुन फिल मस्जिद। नबी पाक मस्जिद के अंदर इतकाफ फरमाया कर दे। इतकाफ बहना कदों है? जिहड़ा 20वां रमजान जदों शुरू होना है ना, मगरब दे वक्त मस्जिद के अंदर आ जाओ, रात मस्जिद के अंदर गुजारो, तो फिर जनाब दे सारी रात दी इबादत तो बाद अल्लाह दे पैगंबर फजर पढ़ के ते अपने इतकाफ के अंदर दाखिल हो जाते। यह तरीका इतकाफ अंदर दाखिल होने का। इतकाफ 10 दिन का भी हो सकता है, इतकाफ 5 दिनों का भी हो सकता है। अलबत्ता अल्लाह के पैगंबर ने ज्यादातर रमजान के आखिरी अशरे का इतकाफ फरमाया। हज़रात दी वकार 4था काम केड़ा करना है? 4था और आखिरी काम केड़ा करने वाला है? हजरात दी वकार सदकाए फितर है। सदकाए फितर अदा करना। अल्लाह अकबर अल्लाह। सदकाए फितर किस वास्ते अदा किया जाता है? ताकि साढ़े रोजियां दे विच जिहड़ी कमी कुताई रह गई है ना, सदका फितर की वजह तो कमी कुताई अल्लाह पूरी कर देंदे ने। सदकाए फितर देना किस चीज़ का चाहिदा है? हजरात दी वकार सदकाए फितर एक साह देना चाहिदा है। एक साह का वजन अगर साढ़े हिसाब नाल कीता जाए। वह ढाई सिर बनता या तीन सिर बनता है कि देना चाहिए है। गंदम खाते हो गंदम का एक सा दे दो यानी तीन सिर गंदम दे दो। चावल खाते हो तीन सिर चावल दे दो। जौ खाते हो तीन सिर जौ दे दो। खजूर खाते हो तीन सिर खजूर दे दो। मुनक्का खाते हो तीन सिर मुनक्का दे दो। उलमा का मसला है अगर ये पैसे बना के किसी को देना चाहते हो भी दिते जा सकते हैं। सदका फितर रमजान के शुरू तो लग के ईद की नमाज पढ़न तो पहले पहले तक अदा किया जा सकता है। और सदका फितर वाजब है, सदका फितर फर्ज है। हर बंदे को चाहिए सदका फितर अदा करना है। सदका फितर देना किथे हजरात दी वकार सदका फितर दी वही मुसारफ ने जेड़े ज़कात दे मुसारफ ने। जिथे जिथे ज़कात लगती है उत्थे उत्थे सदका फितर भी लगता है। अलबत्ता फिर वह गल कहांगा सदका फितर देन लग्या गरीबां दा ख्याल करना है। ऐसे बच्चे नूं वेखना है जिहदे पैरां विच जुत्ती कोई नहीं। ऐसा बच्चा लभना है जिहदे तन विच कपड़े कोई नहीं। ऐसा बाबा लभना है जिहदे सिर ते लैण नूं पगड़ी कोई नहीं। ऐसी मां लभनी है जिहदे सिर ते लैण नूं दुपट्टा कोई नहीं। कई भैणां भी बड़ियां गरीब हुंदियां ने, कई भैणां भी बड़ियां माड़ियां, कई भैणां भी बड़ियां बड़ियां परेशान हुंदियां ने। उन्हां भैणां नूं नहीं भुलना। कई इंज दे बदबख्त ने, कई इंज दे बदबख्त वेखे ने। ईद वाले दिन भी अपने भैन के दरवाजे दे अगों दी लंघ जांदा है ते भैन दे सिर ते दस्ते शफकत नहीं रखदा। भैन दे सिर ते दस्ते शफकत नहीं रखदा ते भैन दरवाजे दे विच खलो के वेखदी रहिंदी है। मेरा वीर आंदा पिया है शायद अंदर आ जावे, शायद मेरे सिर ते दस्ते शफकत रख देवे, शायद मेरा भरा करके मेरे नाल मुहब्बत कर लवे। कमलिया माड़ियां भैणां दा ख्याल करना है, माड़ियां भैणां दा कदा करना है। गरीबां विच वंडना है, माड़ियां विच वंडना है। अपनी बरादरी विच माड़े माड़े बंदे लभणे ने लेकिन बंदा ओह होवे माड़ा भी होवे ते नमाजी भी होवे। इस रमज़ान विच बंदे बड़े माड़े जे लोको, इस रमज़ान अंदर बंदे बड़े गरीब जे लोको। अगर अल्लाह दी कसमें पर्दा ना होवे ते मैं बंदियां दी दास्ताना रख के मैं तुहाडियां कंधां रवा देवां। बंदे एडे मजबूर हो चुके ने इस रमज़ान दे अंदर। बड़े बड़े बंदियां दे फोन आंदे पे ने, गुरबतां छा गईयां ने घरां दे अंदर। इस वास्ते वीर जी इस रमज़ान अंदर सदका फितर तो इलावा भी लोगों का भला करना ते चंगा करना है। इहो काम ने जड़े रमज़ान मुबारक के अंदर करने वाले। आखिरी गल सुनो ते गल मुकाइए। अल्लाह ला माह रमज़ान आ गया है, माह रमज़ान आ गया है, माह गुफ़रान आ गया है, रहमतों के खुल गए ख़ज़ाने, रहमतों के खुल गए ख़ज़ाने, बख्शिशों के मिल गए बहाने, मौसम बहार लौट आया, मौसम बहार लौट आया, रहमतों ने कर लिया है साया, रहमतों ने कर लिया है साया, आओ आओ रहमतें समेट लो, आओ आओ रहमतें समेट लो, जन्नतों के मेवे भर के पेट लो, आसियो गुनाह की रुत को छोड़ दो, आसियो गुनाह की रुत को छोड़ दो, अपने नाते मस्जिदों से जोड़ दो, अपने नाते मस्जिदों से जोड़ दो, पूरे मुंतजर हैं तुम्हारी, पूरे मुंतजर हैं तुम्हारी, कर लो उनको मिलने की तैयारी, पूरे मुंतजर हैं तुम्हारी, कर लो उनको मिलने की तैयारी। खालिक़ कायनात दा कुरान फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليسم، ومن كان مريضا لو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وآخر دعوانا